और भाई लोग क्या हो रहा है। तो जैसा तुम लोग देख के आ रहे होगे, 8.3.3 और 8.2.2 और 8.3.1 तीनों के बॉसों की वीडियो में एक ही में डालने वाला हूँ। अलग अलग भी डाल सकता था, बट यार मुझको लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ही तुम लोगों को मिलना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। तो यार देखो, मैं अकेले इसको यूज़ करने वाला हूँ। नोट यही है बस कि तुम्हें स्टन नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ें मत सोचा करो। ज़्यादा चीज़ें सोचोगे तो खुद को कॉम्प्लिकेट कर दोगे। बस इतना ध्यान रखो, पैरी मत करना, पैरी करोगे तो फंस जाओगे क्योंकि खुद ही स्टन हो जाओगे। बट अकेलेस के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो स्टन नहीं होता है, बिकॉज उसके पास में जो वो येल्लो कलर के तुम्हें दिख रहे हैं ऊपर स्ट्रेंथ वाले आइकन्स, उनके चक्कर में वो स्टन नहीं होता है। तो मान लो गलती से भी तुमने पैरी कर दिया उस वेनम को, कुछ नहीं, मैंने तो सिंपल मेथड यूज़ किया है यार। स्पेशल टू को यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल वन वेनम की जो है तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। स्पेशल वन और स्पेशल टू तक ही जाना चाहिए भाई, स्पेशल थ्री तक नहीं जाने देता मैं यूजली अपने ओपोनेंट्स को, बिकॉज KO ही होता है फिर सीधे। बट यहाँ पे ना मैं हिमडाल को लेके आया हूँ, तो मेरा सीधा फंडा यही है कि स्पेशल थ्री भी खा लो पर ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करो। ये सोच के नहीं आता हूँ कभी भी किसी फाइट में कि उसे सोलो करना है। अगर तुम सोच के आओगे ना सोलो करने की, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। बस अपना बेस्ट दो गाइस, अपना बेस्ट दोगे तो ही मार पाओगे, वरना नहीं मार पाओगे। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड खेला है मैंने, बस इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट, नथिंग एल्स। ज़्यादा सोचो नहीं, बस खेल डालो। और यहाँ पे हमारा 8.3.3 का वेनम गिर गया। भाई कितना टाइम लगा मारने में, कुछ नहीं, सोलो किया है। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। चलो फिर नेक्स्ट फाइट पे बढ़ते हैं, जो कि होने वाली है 8.2.1 का वल्चर। वल्चर को मैंने इसलिए चूज़ किया, मुझे जो सबसे बेस्ट लगा बॉस मैंने किया। वैसे भी मैं एक्सप्लोरेशन के लिए ही जाऊंगा आगे चल के, कंप्लीशन तो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अभी अभी आई है कुछ, तो सोचा कर लेता हूँ। तो 8.3.1 में यहाँ पे हम लड़ने वाले हैं वल्चर के साथ में, और यहाँ भी मैं यूज़ करूँगा द ऑल माइटी हर्कुलिस। हर्कुलिस मेरा बेस्ट प्लेयर है, हर्कुलिस को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हर्कुलिस में वो सब कुछ है जो एक प्लेयर में होना चाहिए। मतलब कोई बंदे में कमज़ोरी ही नहीं है भाई। इसमें भी फिर सेम फंडा रखूँगा, कम स्टन करो, इंटरसेप्ट करो और उसकी स्पेशल वन को बेट करो। अरे स्पेशल वन उसकी अनब्लॉकेबल होगी तो भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वल्चर की स्पेशल वन को डेक्स करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है गाइस। लाइक बस दूर हटो, कोई डेक्स करने की क्या ज़रूरत है, बस पीछे हट जाओ जाके। तो बेस्ट बॉस रहने वाला है ये तुम्हारा 8.3.1 का। इसके बाद में हम लोग जाएंगे 8.3.2 के लिए, उसके बॉसेस सही में एनोइंग हैं, और देखना मैं कौन सा चूज़ करता हूँ। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, वल्चर भी डाउन होने वाला है आफ्टर यूजिंग स्पेशल अटैक। यार वो तुम्हारा ना वो हो जाता है, क्या कहते हैं, डीबफ इम्यून हो जाता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार अपने को। अब अपन क्या बोलें, अपनी वो एबिलिटी यूज़ हो रही है। अब एबिलिटी जब यूज़ हो रही होती है तो हमको ज़्यादा अटेंटिव रहना होता है और ज़्यादा अग्रेसिव होना होता है। बट द थिंग इज, इम्यूनिटी है तो क्या होता है, हम कौन सा डीबफ से मार रहे हैं यार तुमको, हम तो इंटरसेप्ट से मारेंगे। हम हैं इस तरीके के प्लेयर, हमें स्टन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर तुम लोगों को दिक्कत होती है यार इस चीज़ में तो कमेंट करो, मैं वीडियो में बताऊंगा तुमको कैसे ये करना है। हर्कुलिस से ऐसे ही खेलो, स्टन करके भाई गेम नहीं खेल पाओगे, ये सच्चाई है। इंटरसेप्ट इसकी ऑफ सक्सेस इन दिस गेम। तो यार जल्दी से जल्दी बढ़ते अपने लोग 8.3.2 के बॉस के लिए, देखते हैं यार क्या उसे सोलो कर पाएंगे। बट यार काफ़ी मुश्किल बॉस है वो, देखते हैं। चलो
तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस यार बहुत ज़्यादा अनोइंग थे। वो तुम्हारा मेफिस्टो भी खतरनाक है, बीच वाला भी अगर एपोकलिप्स ले आता तो ठीक था, चार प्रेस्टीज चार के साथ कर देता, बट यहाँ पे यार डोरमामू के लिए चला गया मैं। ये मेरी कोई बहुत समझदारी नहीं थी, बट मैंने सोचा कि क्या पता मैं शायद डोरमामू को मार दूँ हिमनटॉस से। बट द थिंग इज आफ्टर, मतलब ये जो ना क्या सीन रहने वाला है इसमें, अगर तुम्हारे ऊपर कोई बफ है, तुम्हारे ऊपर बफ है और तुम्हारा वो बफ एक्सपायर होता है या कुछ होता है, तो डोरमामू तुम्हें डैमेज देता है। बट यहाँ पे क्या है, वो जैसे ही तुम बफ गेन करोगे और पीछे डैश करोगे तो वो डीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम देख रहे हो कि वो हर 12 सेकंड में अनस्टॉपेबल हो रहा है। तो यार यहाँ पे ना कहानी फंस जाती है, तुम उसे मार नहीं पाओगे मौक़ों पर, जैसे मेरे साथ भी तुम देख पा रहे हो अब वो अनस्टॉपेबल है। अब यहाँ पे ना बेस्ट काउंटर तुम्हारा रहने वाला है कैप आई डब्ल्यू, आराम से बता रहा हूँ कैप आई डब्ल्यू विल वर्क, क्विक भी वर्क कर सकती है अगर 5-star क्विक से अच्छा खेल पाते हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अनस्टॉपेबल फिर से आ गया, बाकी स्लो डीबफ्स वाले भी चैम्पियंस यहाँ पे काम आ सकते हैं। ह्यूमनटॉस से भी सोलो मैं कर सकता था, बट द प्रॉब्लम इज आई वॉज फाइटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार यार किसी से लड़ो ना तो इतना ज़्यादा हाथ नहीं सेट होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से इसको हराना है। अब जैसे मैं इसके साथ में 2-3 बार बैटल कर लूँगा तो मैं इसके साथ फेमिलियर हो जाऊँगा, जस्ट लाइक ग्रैंड मास्टर। अब मैं ग्रैंड मास्टर को बिना यूनिट्स के मारता हूँ, ठीक है, 1 या 2 ट्राइज में मार देता हूँ। ऐसे ही तुम कैंग का देख लो, कैंग को भी मार लेता हूँ, बट जब फर्स्ट टाइम आप किसी से लड़ते हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता उसके बारे में। तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो मेरे पास 5-star ह्यूमन टॉर्च था, 6-star ह्यूमन टॉर्च था, मैं फुल पोटेंशियल से डैमेज देता हूँ। मैंने बोला था सोलो के लिए मत जाओ, जाओ डैमेज करने, जितना डैमेज कर पाओ उतना करो, सोलो कभी मैटर नहीं करता है। अच्छा प्लेयर बनने के लिए कंटेंट क्लियर करना ज़रूरी है, सोलो बॉस मारना नहीं है, ठीक है। बेस्ट काउंटर्स लेके जाओ, डैमेज पे लो, हद के डैमेज पे लो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो डोरमामू के स्पेशल 2 बन गई है, मेरे को पता है भाई अब तो फंस गए। चाहे मेरे पास एम डालो चाहे कुछ, स्पेशल 3 मार ही देगी मुझे, क्योंकि वो शायद नोडी ऐसा है और डोरमामू का भी वो चक्कर है यार, वो ना वो प्योरीफाई कर देता है डीबफ्स को, नलीफाई करके और भाई उसे डीजन बना देता है, तो बस ये मर ही जाता। बट क्या बोलूँ यार, ह्यूमन टॉर्च हार गया मेरा। तो इसके बाद में अब मैं फाइनली अपने ह्यूमन टॉर्च को लेके जाऊंगा, फाइट तो ऑलमोस्ट ओवर है ही गाइस, बचा ही कितना है, हर किले से बस आखिरी स्टैंप लगाने जाना है कि भाई हमारा क्लियर हो गया, तो बस ये क्लियर करना है और उसके बाद में अपना वीडियो का एंड कर देना है। बाकी 8.3.4 और 8.3.5 के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और बॉस के लिए तो भाई 8.3.6 का बॉस तो बॉस ही है यार, उसके लिए भी वीडियो बनानी है। और बाकी तुम लोग कमेंट करो कैसी वीडियोस चाहिए, मैं बहामित की भी वीडियो डालूंगा और कैंग की भी डालूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट।